अलैकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे अजरबैजान बाकू में सीमेंट स्टोर बनाने के हवाले से, इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ है अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई अजरबैजान बाकू में सीमेंट स्टोर बनाना चाहता है तो इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जी कलीमुल्ला, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ढूंढ ढूंढ के टॉपिक लेकर आते हैं। जी सर, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन बढ़ती है तो वहाँ पर सीमेंट की कंजप्शन भी बढ़ती है। और अगर सीमेंट का जो बिजनेस है तो इसमें आप देखते हैं कि क्वांटिटी में ये इस्तेमाल होता है सीमेंट बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है सर। तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो है वो ऑलरेडी इस बिजनेस से मुंसलिक हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, जिसे हम कहते हैं मटेरियल स्टोर भी कहते हैं। जी सर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर। तो अगर आप बाकू अजरबैजान में सीमेंट स्टोर बनाना चाहते हैं तो, या सीमेंट की दुकान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीकाकार यही है कि आप पहले जो है या तो एक बंदे वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, या फिर आप दो या दो से ज़्यादा बंदों वाली LLC भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो आप उसी कंपनी पर आगे TRP लेकर ऑनवर्ड आप जो है अपनी दुकान किराए पर लेकर, वहाँ पर जो आपको एक टैक्स नंबर इशू होता है उसी बेस पर आप अपनी सेल्स शुरू कर सकते हैं। तो तकरीबन कंपनी बनाने का जो ख़र्चा है वो $600 के अराउंड है। तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं या LLC बनाएं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क होता है, लेकिन इतना ही जो है $600 में एक अच्छी कंपनी आप एक अच्छे लॉयर से बना सकते हैं। जी सर। तो उसमें ये है कि हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लॉयर्स कंपनीज $1500 में पैकेज दे रही हैं उन्हीं से हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये पैकेज $600 में लेकर आपको दे रहे हैं, जैसे कि हम ये समझ लें कि एक खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये है कि आप जैसे ही आपको टैक्स नंबर इशू होता है तो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद एक अच्छी स्पेस किराए पे ले लेते हैं। जी सर, वहाँ पर ये तकरीबन $300-400 में एक अच्छी जगह और बड़ी जगह आपको किराए पे मिल जाती है। तो मोस्टली आपने ये देखना है कि जिन एरियाज में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे नई आबादियां डेवलप हो रही हैं, नई नई स्कीमें बन रही हैं। जी सर। इसी तरह जैसे जो है शहर से बाहर सराउंडिंग में 4-5 ऐसे एरियाज हैं, जैसे बीना है या जबरात है, मशतगा है, ऐसे वहाँ पर ये शहर एक्सपैंड कर रहा है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से अरूज पर है। जी सर। तो उन एरियाज में आप बनाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन तेज़ी से हो रही है, नई स्कीमें बन रही हैं, नए घर बन रहे हैं, तो वहाँ पर सीमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जी सर। तो आप ये सीमेंट स्टोर के लिए जगह भी वहाँ पर उन एरियाज में लेंगे, $300-400 में बहुत अच्छी आपको बड़ी स्पेस जगह मिल जाएगी। फिर क्योंकि आपको शुरू में ज़बान का लैंग्वेज हो सकता है, तो आप $200-250 में एक अच्छा शॉप मैनेजर अपने साथ रख सकते हैं जो इंग्लिश समझता है, कंप्यूटर जानता है। जी सर। तो आपका तकरीबन $1500 खर्चा हो गया ये कंपनी बनाने का, रेजिडेंस लेने का, जगह किराए पे लेने का और शॉप मैनेजर रखने का, यानी चार कामों का आपका तकरीबन इतना खर्चा हो जाएगा। अब उसके बाद आपने मटेरियल डालना है, तो मटेरियल यहाँ पर 3-4 कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो सीमेंट जो है यहाँ पर टर्की से भी आ रहा है सीमेंट, लेकिन यहाँ पर लोकल भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जी सर। 3-4 बड़ी कंपनी है, जैसे नॉर्म है और एक और है गारा दाग के नाम से भी है, नॉर्म यहाँ की काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसका सीमेंट यूज़ होता है, यहीं पे मैन्युफैक्चरर होता है। तो वो सीमेंट जो है तकरीबन आप समझ लें होलसेल में आपको जो मिलता है और फिर आप जो रिटेल करते हैं, तो एक बोरी पर तकरीबन 1 मनात से 1.5 मनात की बचत होती है। जी सर। तो यहाँ सीमेंट की बोरी की कीमत जो है इस वक्त तकरीबन 6 मनात 6.5 मनात के अराउंड चल रही है। ठीक हो गया। ठीक है। तो उसमें वो एरिया के हिसाब से कुछ 40-50 रुपए आगे पीछे हो जाता है। तो आप समझ लें कि इसमें सीधा साधा जो प्रॉफिट है 40% से 50% तक आप ले आते हैं। जबरदस्त। ठीक है। मिनिमम अगर आप 30% भी कर लें तो इसमें एक अच्छा मार्जिन है। जी तो आपको पता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 100 200 200 400 बोरी का इस्तेमाल होता है। ऐसा ही है सर। तो इसमें जो मार्जिन अगर 30% भी हो तो वो बहुत बड़ा मार्जिन कंसिडर किया जाता है। जी सर। 25 से 30% तक मार्जिन इसमें निकल रहा होता है। ठीक है। तो इस हवाले से हम ये कहेंगे कि इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर कोई बंदा RD कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक्सपीरियंस रखता है तो वो $8,000-10,000 के इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा सेटअप बनाकर यहाँ पर काम कर सकता है। ज़बरदस्त सर। जी जी सर, जो यहाँ पे कंपनियाँ आपने बताया कि सीमेंट दे रही हैं,
यहाँ की कंपनियां सीमेंट बना रही हैं सर, तो जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां जो है, जैसे डीजी खान हो गया और बहुत से सीमेंट मैपल वो ये ब्रांड्स हैं जो ये दुकानों पे सीमेंट की बोरियां पहुंचाते हैं, ठीक है, सप्लाई देते हैं उनकी, क्या यहाँ पे भी ये तरीकाकार है कि होलसेल मार्केट है कोई? जी, इसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान में भी दो तरह का सिस्टम है, एक तो कंपनी की आपने डीलरशिप ली हुई है और आप बड़े लेवल पे काम करते हैं तो वो पूरा एक ट्रक आता है और वहाँ पे सप्लाई दे के चला जाता है, तो फिर जो छोटे दुकानदार होते हैं वहाँ से जाकर सप्लाई ले लेते हैं, वहाँ से छोटे 200-500 बोरियाँ लेकर आ जाते हैं, लेकर आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी है, तो आपको अगर तो बड़ी डीलरशिप लेते हैं तो एक गाड़ी पूरी आपकी शॉप पर आ जाएगी, लेकिन अगर आप इस तरह का अफोर्ड नहीं कर सकते, 100-200 बोरी लेते हैं तो फिर आप बड़े डीलर से होलसेल में बाय करके आप अपनी रिटेल शुरू कर सकते हैं। जबरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे शॉप बनाता है, सीमेंट शॉप बनाता है, तो उसको जो वर्कर की जरूरत होती है तो वो क्या यहाँ से मिल जाएगा कि पाकिस्तान से मंगवाना पड़ेगा? जी, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो यहाँ पर काफी तादाद में मौजूद हैं, जो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, कंप्यूटर भी आता है, तो क्योंकि आपको शॉप मैनेजर के लिए चाहिए, सेल्स के लिए चाहिए, आपका लोकल आबादी के साथ इंटरेक्शन होना है, आपको शुरू में जबान भी नहीं आती जी सर, तो इसलिए बेटर है कि आप पहले यहाँ से ही जो तकरीबन $200 में आपको एक शॉप मैनेजर मिल जाता है, सेल्स मैनेजर मिल जाता है जी सर, जो आपके बिजनेस की हैंडलिंग में आपको हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको जबान सीखने में भी हेल्प करेगा जी सर, तो आप शुरू में तो उसी को रखें, उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने किसी अजीज को, दोस्त को, रिश्तेदार को पाकिस्तान से भी मंगवा सकते हैं जी सर, ठीक है, और उसकी स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं और वो उसी पर आपको उनको वीजा भी मिल जाएगा। जबरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई बड़ी तादाद में काम करना चाहता है, कंपनी से सीमेंट लेना चाहता है जी, तो उसका तरीकाकार क्या है? उसमें ये होता है कि आप एक तो पहले उसमें कुछ जैसे पाकिस्तान में भी होता है कि अगर आपने कंपनी के साथ काम करना है तो डीलरशिप ली जाती है जी सर, ऐसा तो ही है। जब आप डीलरशिप लेते हैं तो कंपनी को कुछ रकम आप एडवांस देते हैं, उनके अपनी कंपनी का उनकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है और आप कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं जी सर, जिसकी बेस पर ये होता है कि वो फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करते हैं और आपको जो है वो होलसेल के हिसाब से एक पूरी गाड़ी या दो गाड़ियां या चार गाड़ियां जितनी भी आपकी डिमांड होती है वो देते हैं जी सर, लेकिन उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने करवाना होती है, वो 10 लाख हो सकता है, वो 20 लाख हो सकता है, वो 50 लाख हो सकता है जी सर, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं जी, ठीक है, और ऑनवर्ड फिर ये है कि आपको एक तो उसमें बड़ा मार्जिन मिलता है, प्रॉफिट का मार्जिन भी ज्यादा होता है जी सर, क्योंकि आप एक बड़े होलसेलर होते हो एज कम्पेयर टू छोटे होलसेलर के, और कंपनीज भी इस तरह के जो है होलसेलर के साथ काम करना वो प्रेफर करती हैं। जबरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई आज़रबैजान बाकू में सीमेंट शॉप बनाता है, इसका बिजनेस करता है, तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? जी, उसका जो टैक्स की रेशियो है बाकू में तकरीबन 4% है जी सर, आप कोई भी सेल परचेज की एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जब आप सेल्स कर रहे हैं, चाहे वो परचून है चाहे वो कोई भी शॉप है जी सर, तो उस पर 4% आपने टैक्स पे करना होता है। ठीक हो गया सर। सर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो अगर यहाँ पे ये बिजनेस करते हैं तो उनके लिए इस बिजनेस में क्या स्कोप है? जी, जैसे मैंने बताया कि हमारे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जी सर, और तकरीबन पाकिस्तान की आबादी 220 मिलियन के अराउंड है, जिसे हम 22 से 24 करोड़ कहते हैं, तो पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है, तो हमारे बहुत से भाई जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं और बहुत से भाई ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मटेरियल स्टोर उन्होंने बनाया हुआ है, ऐसा ही है सर, बड़े लेवल पे भी काम हो रहा है और बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और सीमेंट के बड़े बड़े स्टोर बनाए हुए हैं ऐसा और पूरे इलाके में वो सप्लाई दे रहे होते हैं, तो ऐसे भाई जो जिनका ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है जी सर, बिल्डिंग मटेरियल स्टोर का एक्सपीरियंस है या सीमेंट स्टोर का एक्सपीरियंस है, वो अगर बाहर की किसी कंट्री में अपना एक सेटअप बनाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्योंकि उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, इसमें किस तरह से हैंडलिंग की जाती है, किस तरह से सेल्स की जाती है, परचेज कैसे किया जाता है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट कैसे किया जाता है, होलसेलर आप कैसे बनते हैं, रिटेलर कैसे बनते हैं, तो ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो होता है किसी भी बिजनेस के अंदर वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जी सर, प्लस पॉइंट होता है, तो हमारे ये आइडियाज देने का मकसद यही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस काम में हैं जी सर, और वो बाहर किसी कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या एक पॉइंट ऑफ सेल बनाना चाहते हैं जी सर, वहां पर भी अपना काम करना चाहते हैं, तो इस हवाले से उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है,
क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पिछले 5-6 साल से बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है जी सर। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेस सेंटर बन रहे हैं, घरों की जो है एक बड़ी क्वांटिटी में नए घर बन रहे हैं, और इसके साथ साथ तो इस वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की भी डिमांड बढ़ रही है जी सर। तो जो लोग इस बिजनेस में हैं, अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक छोटा सा सेटअप बना के शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ है या बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जबरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों को आजरी जुबान तो आती नहीं है, तो जुबान का मसला किस तरह हल कर सकते हैं? जी, जुबान का मसला जैसा कि मैंने पहले बताया कि आजरी जुबान जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखी जाती है जी सर, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा मसला हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में या एकेडमी में आप दाखला लेकर 3-4 महीने 50 मनात आप डेली के या महीने के वो फी पे करते हैं, 3-4 महीनों में आपको यानी $200-250 खर्चा करने पर एक अच्छी आप एवरेज जबान बोलना शुरू हो जाते हैं जी सर। साथ ही साथ आपका जो शॉप मैनेजर होता है उसको क्योंकि जबान आती होती है तो इंग्लिश आती है तो हाजिरी आपको सिखाने में हेल्प करेगा जी सर। फिर जब एक एनवायरमेंट में आप रहते हैं ना तो आपको हर बंदा ही सिखा रहा होता है, कोई कह रहा है कि पानी पकड़ाओ, कोई कह रहा है खाना लेकर आओ, कोई कह रहा है ये कितने का, कोई कह रहा है ये कितने का, ऐसा ही है। तो हर बंदा आपको कोई ना कोई वर्ड दे रहा होता है तो आप खुद भी पढ़ रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं, ऐसा ही एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है। जबरदस्त। तो इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ी सी एफर्ट करें ताकि जबान सीखने के बाद आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे बिजनेस कर सके जी सर। जबरदस्त सर, मैं इसी के साथ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है के काल की के फलानी जगह पे सीमेंट पहुंचा दे या ले जाने का तरीका कार, तो आप जानते हैं कि ऑर्डर बाग का दुकान पे जाके दे आते हैं कि फलाने घर में पहुंचा दे, तो यहाँ पे ये क्या ट्रेंड है, इस तरह का कोई तरीका कार है? जी, इसमें यहाँ पर जो बड़े बिल्डिंग मटेरियल स्टोर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लोडर गाड़ियाँ उन्होंने अपनी लगाई हुई हैं जी सर, जो बड़ी लोडर गाड़ियाँ होती हैं, तो फिर आप जब जाते हैं आप कोई ऑर्डर लिखवाते हैं तो वो उसे डिलीवरी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं जी सर, और वो सबसे सस्ती प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों तरह की ऑप्शन होती हैं, जब आप एक दफ़ा उनको एड्रेस दे दें कि इस एड्रेस पर पहुँचा दें, ये बहुत बहुत ईमानदार लोग हैं और बिजनेस बड़ी ईमानदारी से करते हैं। जबरदस्त। यहाँ पर सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में, बल्कि उससे अच्छी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।